हेलो फ्रेंड्स, गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और सबको ठंडी ठंडी कुल्फी खाना बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी पपीते की कुल्फी, जो खाने में बहुत ही हेल्दी होती है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया एक पका हुआ पपीता। पपीते को हम इस तरह से बीच में से कट करेंगे और आप देख सकते हैं हमें पका हुआ पपीता लेना है, इसमें कोई भी बीज नहीं है। फिर इस तरह से हम इसके ऊपर वाले छिलके को उतार देंगे, नहीं तो हमारा कुल्फी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। फिर हम इसके पीछे वाले छिलके को भी उतार देंगे इस तरह से, और फिर इसे हम इस तरह से छोटा छोटा कट करेंगे। आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट है और कितना ही पका हुआ हमारा पपीता है। और ये देखिए हमारा पपीता कट कर तैयार हो गया है। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे, इसमें हम सारे पपीते को डाल देंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे हाफ कटोरी चीनी और थोड़ा सा हम दूध डालेंगे। फिर इसको हम मिक्सी जार को बंद करेंगे और अच्छे से हम इसको ग्राइंड करेंगे। और ग्राइंड करने के बाद हम देखेंगे हमारा पपीता शेक बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी हमें इस तरह की चाहिए। फिर हम एक आइस ट्रे लेंगे जो नॉर्मली सबके घर में होती है। फिर हम पपीते के शेक को इस ट्रे में इस तरह चम्मच से डालेंगे और अच्छे से फिल कर देंगे सभी बॉक्सेस को। और इस तरह से हम आइस ट्रे को अच्छे से फिल कर लेंगे। फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे फॉइल पेपर, इस तरह से इसको अच्छे से कवर कर देंगे हम फॉइल पेपर से। फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे एक एक करके टूथपिक, अगर आपके पास कुल्फी स्टिक है तो आप वो लगा सकते हैं। और फिर इसे हम 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। और 4 से 5 घंटे के बाद हम देखेंगे हमारी कुल्फी एकदम से बन गई है। अब धीरे धीरे करके हम इसके ऊपर से ये फॉइल पेपर को उतारेंगे और ये देखिए हमारी कुल्फी बनकर रेडी हो गई है। अब इसे हम 1 मिनट के लिए पानी के नीचे रखेंगे ताकि ये आसानी से निकल जाए। और ये देखिए हमारी कुल्फी खाने के लिए रेडी हो गई है। तो इस गर्मियों में आप अपने बच्चों को ये कुल्फी बनाकर जरूर खिलाएं, बच्चों को भी ये कुल्फी खाकर बहुत मज़ा आएगा। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।